अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवाले सोरठिया है और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इस थ्योरी को समझने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं कि जब दो चीजें आपस में एक दूसरे से हम तब्दील कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, पैसों के बदले में गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करना, या गुड्स के बदले में सर्विसेज को एक्सचेंज करना, या सर्विसेज के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, इसे हम कहते हैं एक्सचेंज। तो फिर एक्सचेंज रेट हम किसे कहते हैं? एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट कंट्रीज की दो करेंसीज होती हैं, वो दो करेंसीज जिस रेट के ऊपर एक्सचेंज की जाती हैं उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। किस रेट के ऊपर दो करेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो एक कंट्री है पाकिस्तान और दूसरी कंट्री है यूएसए। यूएसए का एक डॉलर खरीदने के लिए आपको पाकिस्तान के 150 रुपए देने पड़ते हैं। इट मींस इसे हम कहते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है दोनों कंट्रीज का। तो एक्सचेंज रेट को अगर हमने समझ लिया तो फिर हमें एक बात को समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी हमें बताती क्या है? परचेजिंग पावर का मतलब होता है आपकी खरीदने की सलाहियत। पैरिटी का मतलब क्या है? पैरिटी का मतलब है दैट इज इक्वालिटी, बराबरी। इट मींस कि अगर यूके के एक डॉलर पाकिस्तान के 150 रुपए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान के 150 रुपए को आप एक डॉलर से क्या कर सकते हैं? आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इट मींस कि जो चीज पाकिस्तान के 150 रुपए में आती है वही चीज यूके के एक डॉलर में आती है। इसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसको आसानी से समझने के लिए एक और बात समझते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को हम कहते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। किस जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? हर जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक डॉलर बराबर है 150 रुपए के, यानी कि 150 रुपए में एक डॉलर क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमें एक बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, और वो बात यह है कि अगर हमारे पास केएफसी है, केएफसी ऑब्वियस बात है पाकिस्तान में भी है और केएफसी यूएसए में भी है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसका जो केएफसी का एक बर्गर मिलता है वो है 200 रुपीस का, और यूएसए के अंदर भी वही सेम बर्गर अगर हमें $2 का मिलता है, तो अगर हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो एक डॉलर के एक्सचेंज में मुझे 150 रुपए पे करने थे। इट मीन्स के यूएसए के अंदर वो डॉलर जो है सर, वो $2 का मुझे केएफसी का एक बर्गर मिलेगा। इट मीन्स के अगर मैं यूएसए के अंदर उस चीज को खरीदता हूं तो मुझे पाकिस्तानी 300 रुपीस पे करने पड़ेंगे, 300 रुपीस। लेकिन पाकिस्तान में वो मुझे कितने का मिल रहा है? वो मुझे मिलता है 200 रुपए का। इट मीन्स के पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली यूएसए के मुकाबले में सस्ती है। अगर वही बर्गर मैं यूएसए के अंदर खाता तो मेरे पाकिस्तानी 300 रुपए लग जाते, लेकिन वही बर्गर मैं पाकिस्तान के अंदर खाऊंगा तो ऑब्वियस बात है मेरे 200 रुपए लगेंगे। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे इनकम की बात करूं, इनकम की अज्यूम करें, एक बंदा है जिसको पाकिस्तान के अंदर सर 12 लाख रुपए सैलरी मिलती है। सैलरी कितनी उसकी? 12 लाख रुपए। और यूएसए के अंदर फॉर एग्जांपल उस बंदे को
$10,000 मिलते हैं, $10,000, और पाकिस्तान के अंदर उसको 12 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसका कंपैरिजन निकालूं, तो इट मींस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 150 रुपए का $1, ये हो गया तकरीबन आपके 15 लाख रुपए। ये देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको यूएसए जाना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से देखें, तो आपको समझ पड़ेगी कि आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए या आपको यूएसए में रहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से देखें, इसे हमें पाकिस्तान में मिलते हैं 12 लाख रुपए और यूएसए के अंदर हमें मिलते हैं 10 लाख रुपए। अगर आप कंपैरिजन देखें तो यहां पर परचेजिंग पावर के हिसाब से सर हमारे 200 रुपए बराबर हैं $2 के। इट मींस कि हमारा $1 कितने का हुआ, 100 रुपीस का। ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो $1 हमारा 150 रुपए का है, और यहां पर सर परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारा $1 $100 के हिसाब से है इस एग्जांपल से। तो अब सर मुझे यहां 12 लाख रुपए मिल रहे थे और अगर मैंने एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा तो मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं यूएसए के अंदर, 15 लाख रुपए। सेम एज इट इज सर, अगर इसी $10,000 को अगर मैं परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई करूं, जो कि मेरा परचेजिंग पावर का रेट है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कमोबेश 10 लाख रुपए। तो इट मींस कि सर यूएसए के अंदर परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी ये सैलरी बन रही है 10 लाख रुपए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरी सैलरी है 12 लाख रुपए। तो ऑब्वियस बात है कि मुझे कहां पे रहना चाहिए, मुझे रहना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहां पे रहने से मुझे 2 लाख रुपए का ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अस्सलामु अलैकुम।